इसके लिए हम ई ग्राम स्वराज के लॉगिन में जाके और सबसे पहले उसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद बजट एलोकेशन रिसोर्स इन्वेलप में है, बजट एलोकेशन, तो रिसोर्स इन्वेलप पे हम क्लिक करेंगे। बजट एलोकेशन में आएंगे और सबसे ये ऊपर जो सेंट्रल स्कीम ग्रांट दे रहा है यहाँ हम क्लिक करके इसको देखेंगे। इसमें जो भी मद दिखा रहा है, मतलब कि जो भी स्कीम दिखा रहा है, सारे स्कीम में राशि हमको अपना से फिट करना होता है या जैसे प्राप्त है वैसे डालना होता है। और ये मुख्य रूप से ये टाइड और अनटाइड का जो दो अमाउंट है जो ऑटो फीड होता है, यही मुख्य रूप से 15वीं का अवयव है टाइड और अनटाइड, और इसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जितना अमाउंट प्राप्त है, जितना अमाउंट हमको ग्रांट ये मिलने वाला है, उसी के अनुसार से हमको योजना का चयन करना होता है। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि टाइड में जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है, जो भी अमाउंट है आपको, जो अमाउंट मिल रही है जैसे कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तो ये चेक कर लेंगे और जो अमाउंट है उसको दो पार्ट में बांट देंगे। टाइड में अगर 30 लाख है तो उसको 15-15 लाख दो पार्ट कर देंगे और अनटाइड में जो अमाउंट है उसको सेम रहने देंगे। जितना अमाउंट अनटाइड में है उतना का हम योजना ले लेंगे और टाइड में जो अमाउंट है इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक ड्रिंकिंग वाटर होगा और दूसरा सैनिटेशन होगा। तो सैनिटेशन में जो अमाउंट होगा उसका योजना ले लेंगे और ड्रिंकिंग वाटर में जो आधा इसकी राशि बचेगा टाइड का उसे हम ड्रिंकिंग वाटर का योजना ले लेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इसमें हम 100% और 120% भी अमाउंट ले सकते हैं। इससे मतलब कि अगर कम लेते हैं तो भी इधर आएगा और 120 से ज़्यादा अगर अमाउंट हम लेते हैं तो भी इधर आएगा, लेकिन मुख्य रूप से हम जितना अमाउंट अवेलेबल है अगर उतना का भी ले रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, योजना सही से एंट्री अप्रूव्ड हो जाएगी। लेकिन एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, एस्टिमेटेड अमाउंट में जैसे कि योजना जो लिए थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए हम उसमें 20% चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये अवेलेबल अमाउंट में दोनों अमाउंट में 20% प्लस करके और उसके अनुसार से भी हम योजना का चयन कर सकते हैं। तो पहला काम हमें ये सावधानी पूर्वक ये करना है कि टाइड और अनटाइड का योजना हमें चयन करना है। टाइड में दो पार्ट बांटेंगे, एक ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन। तो ये जो भी अमाउंट अवेलेबल होगा, अगर 30 लाख है तो 15-15 लाख दो पार्ट होगा, 40 लाख है तो 20-20 लाख दो पार्ट में होगा और अनटाइड का योजना सेम होगा। और इसमें 120% के हिसाब से आप देना चाहते हैं तो इसमें 20% बढ़ा के और जो अमाउंट होगा फिर उसको हम 50-50 दो पार्ट में बांट लेंगे और उस हिसाब से हम योजना का एंट्री करेंगे। तो जो भी प्लान हमारा होगा प्लान सही होगा, इसमें इधर की संभावना नहीं रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो योजना का एंट्री करेंगे वो एंट्री कैसे करेंगे और एंट्री में क्या फोकस एरिया सेलेक्ट करना है, एक्टिविटी क्या होगी, एसेट कैटेगरी क्या आदि का चयन हम कैसे करेंगे, इस सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अब एंट्री करके देखेंगे और एंट्री के बारे में भी जानेंगे। ये भी जानना जरूरी है क्योंकि एंट्री में क्या होता है कि इसी के इधर के कारण बाद में सारे योजना में दिक्कत आती है, ये फिर से हमको सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर शुरू में एंट्री हम सही सही कर लेंगे तो ये सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे काम आसानी से हो जाएगा, प्लान अप्रूव भी हो जाएगा। एंट्री के लिए सबसे पहले साइट में हमको जाना होगा, ई ग्राम स्वराज खोलेंगे और ई ग्राम स्वराज खोलने के बाद हमारा होम पेज आता है जिसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि सीवी चुनित करना होता है। जैसे अगर हम मार्च के पहले कर रहे हैं तो ये सीवी चुनित करना जरूरी है क्योंकि बैक ईयर में ही एंट्री हो जाएगा, फिर से हमें दिक्कत होगा। तो इसे सीवी चुनित करके और ईयर हम चेंज कर लेंगे। ईयर चेंज करने से क्या होगा कि जो भी हमारा योजना होगा उसी ईयर में ऐड होगा जिस ईयर का हम प्लान कर रहे हैं। इसके लिए प्लान के एक्टिविटी में और एक्टिविटी में ऐड और मैनेज दो का ऑप्शन है जिसमें हम ऐड पर जाएंगे और ऐड में जाने के बाद हम योजना की एंट्री करेंगे। योजना की एंट्री करने के लिए सबसे पहले फोकस एरिया आता है, तो यहाँ हम फोकस एरिया सेलेक्ट करेंगे। फोकस एरिया में सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, रोड या जो भी योजना है जिस कैटेगरी का है उसका हम फोकस एरिया का चयन करेंगे। फोकस एरिया का सावधानी से सेलेक्ट करना जरूरी है। इस फोकस एरिया को हम सेलेक्ट किए जैसे रोड। अब इसका सेकंड ऑप्शन में हम एक्टिविटी टाइप में एंट्री करेंगे, एक्टिविटी टाइप में पब्लिक वर्क्स सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट में SDMG मनरेगा, NSAP और PMJAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,
एसडीएम जी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हो जाएगा और नेशनल एसोसिएशन प्रोग्राम इसमें जिस कैटेगरी की योजना होगा हम उसका चयन करेंगे। जैसे योजना मनरेगा का है तो मनरेगा लेंगे, पीएमजीवाई होगा तो पीएमजी सिलेक्ट करेंगे और एंट्री करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो इसको छोड़ के हम सीधे एक्टिविटी का नेम लिखेंगे। जो योजना हमारे पास ग्राम सभा में पारित और चयनित है उस योजना का हम नाम लिखेंगे। नाम टाइप करने के बाद इसमें इसका पूरा डिटेल्स एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और एक्टिविटी नेम में हम योजना का शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल्स हो जाएगा, योजना का मतलब कि शुरू से कहां तक योजना है या योजना का नाम क्या है। अगर बड़ा लेटर में भी है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसको एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट में है एक्टिविटी टू वीआरपी प्लान। तो अगर वीआरपी प्लान में मतलब कि है तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सेलेक्ट करेंगे नॉन पे। तो ये लगभग सब में नॉन पे सेलेक्ट करना है और एक्टिविटी फोर में एससी एसटी जनरल जिसके लिए योजना होगा उसका हम चयन करेंगे। तो जनरल के लिए अगर योजना है तो हम जनरल पे सेलेक्ट करेंगे, एससी के लिए होगा तो एससी सेलेक्ट करेंगे और एसटी का होगा तो एसटी के लिए। तो ये हम देखेंगे कि किस कास्ट को इस योजना से लाभ मिल रहा है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से कैटेगरी में ऑल वुमेन चिल्ड्रेन इसका हम चयन करेंगे। अगर महिला के लिए योजना है तो वुमेन, चिल्ड्रेन के लिए है तो चिल्ड्रेन या ऑल करेंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे। योजना फ्रेश है, ऑनगोइंग है, मेंटेनेंस है तो उसके लिए हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर योजना फ्रेश है तो हम फ्रेश पे क्लिक करेंगे, अगर मेंटेनेंस होगा तो मेंटेनेंस पे क्लिक करेंगे। अगर योजना बिना कॉस्ट का है तो हम यस करेंगे, अगर कॉस्टलेस नहीं है तो हम नो करेंगे। नो का मतलब यह कि हमें राशि देना होगा, अगर कॉस्टलेस करेंगे तो राशि नहीं होगा। इसमें लगभग जीविका का योजना आता है। अब ड्यूरेशन में हम लिखेंगे कि योजना कितने दिन में कंप्लीट की ली जाएगी, मतलब इसका कार्य अवधि क्या होगा। तो अगर ये एक माह है तो एक माह जीरो दिन हो गया, और कब तक योजना कंप्लीट कर लेना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसका मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट डालेंगे कि योजना का मतलब कि टोटल अमाउंट कितना है। योजना का टोटल अमाउंट हम इसमें 5 लाख का अगर योजना है तो 5 लाख इसमें एंट्री करेंगे और उसके बाद से इस योजना का बेनिफिशियरी का डिटेल्स देंगे कि अगर इस योजना में कितना घर लाभान्वित हो रहा है। अगर जनरल घर जितना 500 लाभान्वित हो रहा है तो 500 भरेंगे, एससी में हम देखेंगे कितना एससी घर लाभान्वित हो रहा है, अगर 200 हो रहा है तो 200 लिखेंगे और एसटी तो जो भी इससे लाभान्वित है उसका हम डिटेल्स उसमें लिख देंगे। उसके बाद से आउटपुट में हम कैटेगरी वाइज एक्टिविटी और ये सब में हम एसेट में सिलेक्ट करेंगे। एसेट में हमको मूवेबल और इनमूवेबल टाइप करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, जिसमें अगर योजना चलता फिरता है तो मूवेबल होगा और नहीं तो इनमूवेबल, मतलब कि ये अस्थाई है। उसके बाद से कैसे उसमें हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी में रोड या जो भी चीज होगा वो करेंगे और सब कैटेगरी में उसका पूरा डिटेल्स आ जाता है, जैसे कलवर्ट रोड जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। और योजना मीटर में है तो कितना मीटर है तो इसमें मीटर करेंगे, 400-500 जो भी मीटर का योजना होगा हम वो लिखेंगे। और फिर ये कॉस्ट जो हम वहां दिए हुए थे उसी कॉस्ट को हम यहाँ पे भी लिखेंगे। कॉस्ट देने के बाद हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, कवरेज एरिया में पंचायत का नाम आता है तो टोटल गांव में हम सेलेक्ट करेंगे, जिस गांव को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस गांव को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद इसका हम चयन करेंगे, एक है तो एक करके और जीएसटी डाटा को सेव करेंगे। सेव करने के बाद योजना कंप्लीट हो गया, अब इसको हम चाहे तो सेव कर सकते हैं और सेव एंड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो सेव करेंगे तो फिर से उसको सेव एंड फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और नहीं तो हम डायरेक्ट सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो ये योजना प्रोसेस में चला जाएगा, अब उसको हमको जाके वहां से हम अलॉट कर सकते हैं। तो ये सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे, सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो गया तो हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जितनी भी हमारी योजना होगी उस सबकी बारी बारी से हमको एंट्री करना होगा। एक दूसरा योजना हम सिलेक्ट करके देखते हैं, जैसे उसमें रोड था अब इसमें ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन हम सिलेक्ट करके देख रहे हैं। सैनिटेशन सिलेक्ट किए, दूसरा एक्टिविटी टाइप होगा पब्लिक वर्क, फिर इसमें वैसे ही हम एसडीएम मनरेगा जो भी अगर होगा तो सिलेक्ट चेक मार्क पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। योजना का नाम लिखेंगे, ये नाम शॉर्टकट में भी हो सकता है और इसी का पूरा डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो योजना का नाम हम यहाँ लिखेंगे,
योजना का नाम लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका फुल नाम लिखेंगे। फिर से VPRP है तो हम चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो हम फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में फिर हम नॉन करेंगे, एक्टिविटी जनरल एससी एसटी जो भी था जैसे पिछला बार हम सेलेक्ट किए थे उसे सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी ऑल करेंगे, योजना फ्रेश करेंगे, और फ्रेश में फिर से कॉस्टलेस नो होगा, और अमाउंट 1 माह 0 दिन या 6 माह 5 दिन जितना दिन का योजना होगा उतना माह और दिन हम सेलेक्ट करेंगे, फिर योजना का ईयर जब कम्प्लीट होगा और मंथ उसका सेलेक्ट करेंगे, फिर से उसका हम कॉस्ट डालेंगे कि कितना अमाउंट का ये योजना है, और उसको देने के बाद फिर से हम इसके बेनिफिशियरी का हम डिटेल्स डालेंगे कि कितना घर इससे लाभान्वित होने वाला है। तो एससी एसटी जनरल जितना भी घर लाभान्वित होगा हम उसका एंट्री करेंगे 300 200 200, और उसके बाद से फिर से एसेट पे जाएंगे, तो एसेट टाइप इनमूवेबल मूवेबल इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से एसेट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ये सब एकदम मिला के करना होगा, योजना का जो भी नाम होगा उसी के हिसाब से हम उसका सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका हम सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, और सब कैटेगरी में फिर मीटर आ गया तो हम यहाँ मीटर करेंगे कि कितना मीटर का ये ड्रेनेज बनना है, और उसके बाद से उसका कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट वही होगा जो कॉस्ट हम शुरू में दिए हुए थे, और फिर से हम इसका कवरेज एरिया सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें गाँव का नाम आया और पंचायत का नाम आता है, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ये योजना किस गाँव के लिए है, और उसका फिर GSI मैप हम एड करके सेव करेंगे, उसके बाद भी हम सिर्फ सेव करना चाहेंगे तो सेव करेंगे, और नहीं तो सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे, तो योजना फिर से हमको एलोकेशन में चला जाएगा। ऐसे हम कर लिए तो दूसरा अगला ऑप्शन में हम योजना को फंड एलोकेशन करेंगे, फंड एलोकेशन के साथ हार्ड कॉपी भी अटैच करना होगा जो योजना मिला हुआ है, जिसपे योजना के मुखिया और पंचायत सचिव या ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर होता है, उसका हम स्कैन कॉपी भी अपलोड करेंगे, और योजना का अमाउंट हम अलॉट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे इसको हम समझ लेते हैं, ये एक्टिविटी के मैनेज के एड में आता है, जैसे योजना जो भी हम फॉरवर्ड किए हैं उसको हम एक्टिविटी के एक्शन प्लान के एड में हम देख सकते हैं, फर्स्ट बार में एक्शन प्लान के एड में आता है, और एक बार काम कर लेने के बाद ये एक्शन प्लान के मैनेज में दिखता है। तो जो भी योजना कम एंट्री किए या फॉरवर्ड किए योजना यही आकर आता है, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इस योजना का अमाउंट ऐड करेंगे, तो अमाउंट योजना पे हम एलोकेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ जो अमाउंट है उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और ये एंट्री करेंगे। प्लान फिर से हम आगे पीछे ऐड कर रहे हैं तो प्लान इसमें आता भी है और नहीं भी आता है, तो हम नीचे से एक्सक्लूड करेंगे, ये जो एक्सक्लूड एक्टिविटी का ऑप्शन देता है तो बाद में जो एंट्री हुआ है वो इसमें नहीं आता है, तो हम एक्सक्लूड से जाएंगे, उसको चेक मार्क का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आ जाएगा, फिर से उस हम जो अमाउंट होगा उसको कॉपी करेंगे, अलॉट पे जाएंगे, और ये देखेंगे किस मद में योजना है, उसी मद में हमको ये अमाउंट सिलेक्ट करना होगा, तो ये अमाउंट सिलेक्ट करके हम पेस्ट करेंगे और अलॉट करेंगे, तो हमारे दोनों तरफ अब अमाउंट शो कर रहा है, फिर वैसे ही नेक्स्ट का भी हम योजना अलॉट कर लिए, अमाउंट सेव करेंगे, फिर से हम इसका कॉपी करेंगे, जो योजना का अमाउंट है उसको हम कॉपी करेंगे, और फिर ये ग्रीन वाला जैसे कि अलॉट जो दिख रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे, और योजना का जो फाइल खुलेगा इसमें हम देख लेंगे योजना किस मद का है, और उस मद में अगर टाइड का है तो टाइड में, अनटाइड है तो अनटाइड में, और जाके उसके जो ब्लैंक कॉलम है इसमें हम उसको पेस्ट करके और फिर से अलॉट कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारी सारी योजना अलॉट हो जा रही है, तो इसी प्रकार से राशि अलॉट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ अटैच फाइल, तो अटैच फाइल पे हम क्या करेंगे कि चूज फाइल में क्लिक करके और उस जो PDF हम बनाए हुए हैं इस योजना का उस PDF को हमें अपलोड कर देना है। PDF को अपलोड करने में भी ये ध्यान देना है कि PDF में जो नाम होगा वो नाम एक वर्ड का होगा, अगर नाम में जैसे हम स्लैश वर्ड वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं या जो भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह देते हैं तो ये भी नहीं लेता है, तो इसलिए हमें सिर्फ एक वर्ड का ही इसका नाम देना है PDF का, और इसका चूज फाइल पे सेलेक्ट करके हम अपलोड कर देंगे, अपलोड करके हम इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद हमारा प्लान कंप्लीट हो गया, और इसको हम क्या करेंगे सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे, सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद ये योजना हमारा अप्रूवल में चला जाएगा। अप्रूवल में जाएगा तो फिर से हमको चेक करने के लिए वही
प्लानिंग के, एक्शन प्लान के मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाके हम प्लान पेंडिंग जो करते थे, तो अब प्लान पेंडिंग में डाटा नहीं आएगा, अब ये डाटा अप्रूवल में आएगा। तो यहाँ पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे हम क्लिक करेंगे। तो प्लान पेंडिंग, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, सेवन फॉरवर्ड इसको किए, अब फाइनल सेवन फॉरवर्ड। तो ये योजना यहाँ से सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो गया। तो फॉरवर्ड होने के बाद अब ये चला जाता है अप्रूवल में। तो अप्रूवल में अब इसको हम लास्ट अप्रूव करेंगे और इसके बाद से ये योजना फाइनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम अप्रूवल में चलते हैं कि अब प्लान को हम अप्रूव कैसे करेंगे। अप्रूव में दो चीज ध्यान रखना होता है, यहाँ प्लान को हमको अप्रूव और नॉट अप्रूव दो ऑप्शन होता है। तो ये दोनों को सही सही जानना जरूरी है, क्योंकि टोटल प्लान को हमको अप्रूव करना होता है। और किसी प्लान को हम चाहते हैं कि जैसे सिलेक्ट तो कर लिए हैं लेकिन नॉट अप्रूव करना है, तो उसे नॉट अप्रूव करके और रीजन देके भी हम फाइनल सबमिट कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि फिर से कुछ एरर आने लगता है, जो बजट के हिसाब से राशि है तो वो राशि मिसमैच करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हम 30 लाख का प्लान एंट्री किए हुए हैं और उसमें 1 लाख का योजना को हम नॉट अप्रूव कर रहे हैं, तो फिर से बाद में जब टेक्निकल सेंक्शन या फाइनल अप्रूवल या जियो टैग योजना की जाती है, तो उसमें एरर आता है कि ये प्लान 100% या 120% के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए हमें नॉट अप्रूव से भी बचना है, नॉट अप्रूव ना करना है। जो भी योजना है हमको उसी के हिसाब से, जो टाइड एंड टाइड में, खासकर जो टाइड एंड टाइड की योजना है उसको तो हमें नॉट अप्रूव करना ही नहीं है, सबको अप्रूव कर देना है। तो अप्रूव करने के लिए हमें फिर वही करना होगा, पहले हम जो जाते थे मैनेज के, एक्शन प्लान के मैनेज में जाएंगे और जो पहले हम पेंडिंग प्लान या प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे क्लिक करते थे, तो अब हमें यहाँ पेंडिंग प्लान फॉर अप्रूवल पे क्लिक करना होगा। गेट डाटा करेंगे, प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल करके गेट डाटा करेंगे। करने के बाद यहाँ व्यू करके भी देख सकते हैं और मॉडिफाई भी करके देख सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई पे अब ऑप्शन नहीं आएगा, अब हमें सिर्फ अप्रूवल पे ऑप्शन आएगा। तो इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद वो लिस्ट आ जाएगा, जो जो भी लिस्ट अप्रूवल के लिए चला गया है तो लिस्ट आएगा। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि अप्रूव और नॉट अप्रूव दो का ऑप्शन आ रहा है, टोटल योजना हमारी दिख रहा है और अप्रूव नॉट अप्रूव दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जितने भी योजना को हमको अप्रूव करना है सब में हम अप्रूव पे चेक मार्क करते जाएंगे। चाहते हैं कि नॉट अप्रूव करें तो हमको यहाँ रीजन देना होगा और रीजन देके इस योजना को नॉट अप्रूव भी कर सकते हैं। बाकी सारी योजना को हम अप्रूव कर दिए। खासकर ध्यान रखना है कि टाइड और अनटाइड की योजना में नॉट अप्रूव से बचना है, अप्रूव सब प्लान करेंगे, नॉट अप्रूव से बचना है, नहीं तो नॉट अप्रूव में क्या होता है कि लास्ट में टीएस अपडेट में दिक्कत आएगा। टोटल योजना अप्रूव करने के बाद यहाँ डेट सिलेक्ट करना होता है कि जिस तारीख को हम काम कर रहे हैं उस तारीख यहाँ सिलेक्ट करेंगे, और ये सब करने के बाद हमारा सेव का ऑप्शन आता है। तो नॉट अप्रूव जो किए हैं वहाँ हम रीजन देंगे, नॉट अप्रूव नहीं किए हैं तो हमको रीजन देने की जरूरत नहीं है, और सेव करेंगे तारीख देने के बाद तो हमारा योजना फाइनल सेव हो जाता है। लेकिन हम नॉट अप्रूव कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ रीजन दिए और योजना को सेव किए। सेव करने के बाद हमारा योजना अब फाइनल सबमिट हो गया, प्लान अप्रूव सक्सेसफुली। सक्सेसफुली होने के बाद हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो फिर वही करेंगे, एक्शन प्लान के मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाके हम प्लान अप्रूव, तो अप्रूव प्लान करके गेट डाटा करेंगे। यहाँ पेंडिंग प्लान ना करना है, अप्रूव प्लान पे हम करेंगे तो जो हमारा प्लान अप्रूव है वही आएगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है मेन प्लान अप्रूव और यहाँ व्यू का ऑप्शन आता है, अब मॉडिफाई और अप्रूव पे क्लिक करने पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, हम सिर्फ व्यू करके ही इशू देख सकते हैं। तो व्यू करने के बाद हम जो भी योजना अप्रूव किए हैं उस योजना का पूरा नाम, उसका फोकस एरिया सैनिटाइजेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है या रोड है, उसका कैटेगरी और योजना का किस मद से भुगतान होना है ये भी
और अमाउंट ये हमारा उसमें दिखने लगता है। तो इससे हम जान गए कि हमारा प्लान फाइनल अप्रूव हो गया, इससे हम चेक कर भी लेंगे कि प्लान हमारा अप्रूव हो गया। तरह से हम योजना को बजट से लेके एंट्री से लेके और अप्रूव तक फाइनल सबमिट तक करके और प्लान अपना आसानी से हम तैयार कर लेंगे और अपना योजना फाइनल सबमिट।